अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू अज़र भाई चैनल। मैं आपका होस्ट अज़र अली। नाज़रीन, आज हम आए हैं बकर मंडी और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वैडे खड़े हुए हैं और ये उल्टे हाथ पर आप देखते हैं मेरे तो वहाँ पे ऊँट भी नज़र आ रहे हैं आपको। इस टाइम जो है आपको पता चाह रहा था कल ईद है तो हम यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे आज के बहुत ही रश है, काफ़ी यहाँ पे लोग ख़रीदार भी नज़र आ रहे हैं तो हम ख़रीदारों से भी बात करते हैं। ये हमारे व्यापारी खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं, उनसे गाय का रेट भी लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये मंडी का क्या हिसाब किताब है। तो ये हमारे साथ भाई खड़े हैं, हम इन्हीं से बात का आगाज़ शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। क्या नाम है भाई का? आज़म। आज़म भाई क्या हाल है? अब एक दिन रह गया ईद में तो कुछ खरीदार वगैरह आ रहे हैं, कुछ जानवर वगैरह बिक रहे हैं आपके? जी आ रहे हैं, रेट नहीं ठीक लगा रहे हैं। रेट नहीं हो रहा? रेट नहीं लगा रहे। कौन सा जानवर है आपका? ये सब जानवर आपका। तो क्या रेट है इनका, गाय का जो है? डेढ़ लाख रुपया मांग रहे हैं। कितना? डेढ़ लाख। हाँ, लगाने वाले एक लाख लगा रहे हैं। तो डेढ़ लाख तो तकरीबन मुनासिब भी है, क्योंकि जितनी आजकल महंगाई हुई है वैसे डेढ़ लाख मुनासिब भी है। तो डेढ़ लाख का एक लाख लगा रहे हैं, एक लाख में आपको वारे में नहीं है देना? नहीं नहीं, आप कम से कम कितने तक में इसको बेच देंगे? कम से कम 1.35 का देंगे। 1.35 तक का आप बेच देंगे? ये देखें, ये भाई की राय थी, ये डेढ़ लाख तक का ये वैड़ा बेच रहे हैं, वो कह रहे हैं 1.35 तक का दे देंगे, लेकिन जो ग्राहक हैं वो एक लाख तक के जो है इसकी प्राइस लगा रहे हैं। तो अब और भी करते हैं बात आगे, यहाँ पे जो ख़रीदार आए हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी राय लेते हैं कि उनकी क्या राय है। ये हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भैया? मोहम्मद जमील जी। जी जमील साहब, किधर से आप आए हैं? लाहौर से जी। लाहौर से आए हैं? ननकाने साहब तो आए हैं जी लाहौर जी। अच्छा, तो ये जानवर है आपके जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो क्या हालात है मंडी के? मंडी इस टाइम कैसी जा रही है? मंडी आ रहे थे हम तो मंदा ही है जी। मंदा? हाँ, एक दिन रह गया, कल ईद है। हाँ, क्योंकि चांद रात है। चांद रात। तो आपकी क्या कोशिश है कि आपके सारे जानवर बिक जाएंगे? अल्लाह के हुक्म नाल जी, इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये इसकी वेड़े का क्या रेट है? इनका 2.5 लाख मंगन रहे हैं। 2.5 लाख बता रहे हैं? 2.5 लाख कोई बहुत ज़्यादा रकम नहीं, हमने बता दी। चलो जी 2.20 का दे देंगे। 2.20 तक का आप दे देंगे? हाँ जी। तो गाहक का क्या, गाहक आ रहे हैं यहाँ पे? गाहक आ रहे हैं जी 250, 60, 40, 80। 140-80 तक रेट लगा रहे हैं? 80 तक। 180 तक आपके बारे में नहीं है देना? नहीं। अच्छा, ये देखें, ये पल्लियों पे आ रहे हैं, पल्लों पे आ रहे हैं, नुकसान। ये देखें, ये वैड़ा जो 180 का ये कह रहे हो, ये कह रहे हैं कि 180 तक का ये दे देंगे, लेकिन 180 तक जो है मुनासिब की? हाँ जी, अल्लाह के हुक्म नाल 180 तक ये दे देंगे। तो यहाँ पे मुझे कोई खरीदार भी नज़र आते हैं, ये मेरे पीछे खरीदार खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, ये भी शायद बाहर लेने आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, आप वैड़ा लेने आए हैं? जी जी बिल्कुल। क्या नाम है भाई का? जी इज़दान अली। इज़दान भाई जी, ये वैड़ा आपको पसंद आया? जी बिल्कुल है। तो कोई बात वगैरह बनी है आपकी इसकी? जी रेट थोड़ा सा ज़्यादा मांग रहे हैं, लचक वगैरह है थोड़ी सी, बस बनाने की कोशिश है, दो की बात कर रहे हैं उसकी और इसकी। अच्छा, तो क्या जोड़ी का मांग रहे हैं? जी वो 3.5 मांग रहे हैं, 3,50,000। अच्छा, हमने इनको 2,50,000 रुपये लगा दिया। अच्छा, 2,50,000 में ये नहीं दे रहे फिर? नहीं दे रहे जी, हमने उनको 3,50 कह रहे हैं, हमने 2,50 कह दिया उनको। अच्छा, एक ये ब्राउन का, एक वो ब्लैक एंड वाइट का। ब्लैक एंड वाइट का। तो कहाँ, कौन से भाई हैं जो आपके डील कर रहे हैं इस टाइम? आपसे बात करते हैं? बैठे में ये खड़े हैं, यही भाई हैं जी। निशानियाँ जी, की करिए, आटा दुध मलाइया इन्होंने खुवाया पिया, माल दसो जी। वैड़ा तो पै रहा 3-3 लाख का, सानू साल हो गया शाम दिन। तो सर अब एक दिन रह गया, तो कोई कंप्रोमाइज़ करके भाई से कोई लचक दिखा के, कोई अप डाउन करके कोई दे दिला? अल्लाह पाक बेचेगा। जोड़ा लेना चाह रहे हैं वो? जोड़ा ले रहे जी, उन्होंने 4.5 का क्या जी। जी ये नाजी है, यहाँ पे जो है गाहक 2.5 लाख कह रहा है, मांगने वाले 4.5 लाख कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये सूरत हाल है इस टाइम, और यहाँ पे बात ना कस्टमर की बन रही है ना व्यापारियों की बन रही है, आपस में बात बननी यहाँ पे इस टाइम बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस टाइम रेट बहुत ज़्यादा। व्यापारियों का कहना ये है कि यहाँ पे जो है हमें, जो हमने इन पर खिलाई पिलाई की है, जो हमने इन पर पैसे लगाए हैं हमारे, वो पैसे ही पूरे नहीं हो रहे, और यहाँ पे कस्टमर भी मजबूर है, उन्हें अपने फ्रीजा अंजाम देना है, लेकिन उसके पास भी इतने पैसे नहीं कि वो इतने महंगे महंगे जानवर खरीद सके। जी नाजरी, ये देख सकते हैं आप, हमारे ऊँट हैं कैम्बल में हमारे पास खड़े हुए हैं, तो इनका भी हम रेट लेते हैं, हम भाई से पूछते हैं कि क्या रेट है ये यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये हमारे साथ भाई बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई जी, ज़रा बात सुनिएगा, इधर आ जाए। अच्छे चले, हम आ जाते हैं जी। अस्सलाम जी भाई, ये आपके ऊँट हैं? हाँ जी, आप गए। तो क्या प्राइस आप ऊँट की लगाई हुई आपने, क्या कीमत? डेढ़ दो लाख दे रहे हैं। हाँ जी, तो ये बिल्कुल पागल है, कोरोना वाला है। आप बात करते हैं, आपसे बात करके आप आए? बात करेगा, हम नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये व्यापारी बैठे हैं बेचारे, इनको भी समझ नहीं आ रही क्या बात करें क्या बात ना करें।
क्योंकि रेट एक ऊँट का इन्होंने 1.5 लाख मांगा है, 1.5 लाख ये बता रहे हैं एक ऊँट का रेट। और यहाँ पे हमें अभी कोई गाग नज़र नहीं आ रहे हैं, हम उससे भी पूछते हैं कि उनके जो है क्या डिमांड है, वो कितने तक के जो है ना यहाँ पे ये ऊँट का रेट लगा सकते हैं। तो फिर और आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं वीडियो की, अभी तो हमने विज़िट शुरू किया है, अभी हम और भी जगह पर जाते हैं और लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। जी नाज़रीन देखें हम यहाँ पे आए हैं ऐसे मवेशी मंडी बकरा मंडी वेड़ो की तरफ हम आ जाए हैं, वेड़ो की हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। रेट बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, लोग यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए, लेकिन मसला वही है कि जो रेट है वो उनकी पहुँच से दूर है। तो ये हमारे साथ कुछ भाई खड़े हैं यहाँ पे, काफ़ी ख़रीदार खड़े हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं जी मौसी भाई, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी भाई, क्या हाल है? सब दुआएं आपकी, शुक्रिया। ठीक ठाक है जी। कोई आप बछड़ा वगैरह लेने हैं, कोई बात वगैरह बनी कोई आपकी? नहीं सर, महंगाई सब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रेट, बहुत ज़्यादा है। कितनी तक रेंज है आपके लेने की, कितने तक आप लेने? हमारी तो 1 लाख की रेंज है, 1 लाख में अगर मिल जाए तो ठीक है। 1 लाख में तो जिस हिसाब से मंडी का रेट है 2.5 लाख 3.5 लाख बता रहे हैं, उस हिसाब से लाख में मिलना मुश्किल नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन आप देखें, हम जितनी हमारी हैसियत है, जितने हमारे पैसे हैं, हमें उस रेंज में लेना है। बिल्कुल फजीरा, एक मकसद पूरा करना है, जो हमें कुर्बानी का है वही पूरा करना है। लेकिन उसके बावजूद ये है, आप क्या करेंगे अगर आप 1 लाख तक का जमा ना मिला? तो फिर अल्लाह से दुआ करेंगे, पैसे आ गए नहीं जानवर ले लें, ये हो सकता है। उम्मीद करेंगे कि अल्लाह आपको जो है ना इंशाल्लाह मिल जाएगा, और इंशाल्लाह आपको ये है कि यहाँ से आप जानवर लेके जाएंगे। तो ना ये हाल यहाँ पे के लोगों के पास पैसे बहुत कम है, अपने हिसाब से हैसियत के मुताबिक पैसे लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पे जानवर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उम्मीद ये थी कि कल जैसे कि ईद है तो आज रेट कम हो जाएगा, लेकिन मंडी का रेट अभी भी उसी तरह बढ़ा हुआ है। ये एक और हमारे साथ भाई से बात करते हैं जी, असलम भाई जान जी, भाजन क्या हाल है? अच्छा इधर पास नहीं, आप बछड़ा लेने आए हैं आप? हाँ जी। क्या नाम है आपका? कामरान। तो जी कामरान भी क्या हाल है मार्केट के? अभी तो बहुत तेज़ मंडी, तो और रेट है। क्या रेट बताया जा रहा है वेड़ों का इस टाइम? वो 170 का। तो आपने कितना रेट लगाया इसका? हमने 130 कह दिया इसका। तो 130 तो मुनासिब है, दे देना चाहिए उनको। कह रहे नहीं, कह रहे 1.5 लाख जी। देखें नाज़रीन, 170 रेट बताया भाई ने, 130 लगा दिया है, मुनासिब रेट है जो भाई ने लगाया, लेकिन जो है उसके व्यापारी ने वो जामन उनको नहीं दिया है। बिल्कुल मुनासिब रेट था बछड़े के मुताबिक, 130 बिल्कुल मुनासिब रेट था। तो एक बहुत ही अच्छा वेड़ा हमको नज़र आया है, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत और सेल्समैन वेड़ा है, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ वेड़ा बहुत अच्छा। और इनके जो मालिक हैं जो इस टाइम ये बेच रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये देखिए बहुत ही वाइट रंग का जो है खूबसूरत सा वेड़ा है, और काफ़ी ऊंचा वेड़ा है, ये मेरे कद से भी तकरीबन ये मेरे कद जितना ही है, और वाइट रंग का ये वेड़ा है, काले डॉट्स पे पड़े हुए हैं। और ये मैं अब इनके जो मालिक हैं इनसे बात करते हैं, ये बैठे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे ये साथ मौजूद हैं भाई जी, असलम भाई जान। वालेकुम सलाम भाई जान। भाई क्या नाम है आपका? नाज़िम हुसैन। नाज़िम हुसैन सर, क्या इसका जो है रेट आपने लगाया हुआ है वेड़े का? असल में मांग रहे हैं 5.5 लाख। आ गया, 5.5 लाख रुपए मांग रहे हैं आप? तो इसका अभी तक कितना वेट लग चुका है? कोई नहीं रेट शेट आया बिल्कुल ही, अभी तक कोई पूछने तक नहीं आया, कोई नहीं पूछने लगे। तो ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वेड़ा है, काफ़ी सेहतमंद वेड़ा लग रहा है। तो आप इसको खिलाते क्या क्या है, इसकी क्या खुराक है? इसकी खुराक है दूध, अच्छा घेव, सेब, ऐसी चीज़ें, छोले डालना सारा पानी। कितना दूध ये पी लेता है? दूध डेली का 2 किलो 2 किलो दूध रोज़ का पीता है। तो ये आप 5.5 लाख की जो आपने इसकी डिमांड ली हुई है, तो ये कितने तक में आप सेल कर देंगे? आपकी डिमांड है कि 4-4.5 में आ जाए, कि वो घर पहुँच जाएगी। अच्छा अच्छा। और भी वेड़े के इसके अलावा के यही वेड़े हैं आपके पास? भाई एक छोटा है, अच्छा वो नहीं बेचता, वो नहीं बेच रहे, सिर्फ एक ही वेड़ा बेचने हैं आप आए हो। तो आप आए किधर से हैं? बिहारी से। बिहारी से, तो जी नाजी ये बिहारी से आए हैं भाई, और ये 5-5.5 लाख रुपए वेड़े का मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 4-4.5 तक भी मिले तो हम उसको दे दें, लेकिन वो कह रहे हैं अभी तक कोई कस्टमर आया ही नहीं है, कि वो पूछ रहे हैं इसका रेट पूछने तक भी अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया। तो नाज़रीन जब हम यहाँ पे आए थे तो काफ़ी गर्मी थी, हब्स का था, और काफ़ी यहाँ पे आप मेरे कपड़े से देखते थे काफ़ी पसीना आया था। इस टाइम मैं दरिया रावी के किनारे खड़ा हुआ, मेरे पीछे देख सकते हैं दरिया रावी भी है, उस पर पानी भी बह रहा है। और इस टाइम जो है बादल आए हैं, और थोड़ा जो है मौसम खुशगवार हुआ, हल्की हल्की सी हवा चलनी शुरू हुई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी हब्स और घुटन कम हुई है। लेकिन इससे पहले जो थी बहुत ही ज़्यादा हब्स और घुटन हो गई थी, और हमारी भी तबीयत ख़राब होने लग पड़ी थी, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा बह रहा था। लेकिन ये अब इस टाइम जो है थोड़ी थोड़ी सी हवा चलने लग पड़ी है, और आप देख सकते हैं कि थोड़ा बादल भी आ गया, जिसकी वजह से जो है मौसम थोड़ा सा खुशगवार हो गया है। अब अगर इस टाइम यहाँ पे अगर बारिश होती है तो हो सकता है मंडी का रेट गिर जाए, क्योंकि इस टाइम मंडी का रेट बहुत ही ज़्यादा चढ़ा हुआ है, जानवर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लोगों के फ्रीज से बहुत ज़्यादा बाहर हैं।
तो ये है कि अगर इस टाइम बारिश होती है तो शायद जो है कोई मंडी का रेट गिर सकता है। नाज़रीन जैसे आपको बताया जब बकर मंडी आए हुए हैं और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स का भी इंतज़ाम किया हुआ है, जैसे कि लोग काफ़ी गर्मी है, लोगों को प्यास वगैरह महसूस होती है तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी रखी हुई हैं, जिनमें कोक स्प्राइट वगैरह मौजूद हैं। तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने ठंडी करने के लिए फ्रिज में स्प्राइट भी रखी हुई है, तो ये आपके सामने है। यहाँ पे भाई चीज़ें वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी नाज़रीन एक और जगह है, यहाँ पर भी आप मेरे पीछे बैठे देख सकते हैं, माशाल्लाह काफ़ी तादाद में यहाँ पर वैडे भी मौजूद हैं, मवेशी भी मौजूद हैं, कस्टमर भी आज बहुत ज़्यादा हैं हमें नज़र आ रहे हैं। ये हमारे साथ भाई खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया, क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह भाई जान, क्या नाम है भैया? मोहम्मद इजाज। जी इजाज भाई, क्या हाल चाल है मंडी के, क्या उतार चढ़ाव हुआ है मंडी का? बस ये है देखो जी, गाँव के बतेरा है, जानवर नहीं है मंडी में, बस मुल पूरा नहीं लगा रहे हैं माशाल्लाह जो है ना, तो जानवर है कम है, तो जानवर कम है आपके मुताबिक और कस्टमर ज़्यादा है? कस्टमर ज़्यादा है तो मोल नहीं लगा रहे हैं, बस देखने वाले मोल नहीं। अच्छा तो आप एक दिन रह गया ईद में, अब ईद आने वाली है तो आप यही चाहेंगे कि सारे आपके जानवर यहाँ से बिक जाएं, आप सारे जानवर बेच के जाएं? बेच के घर तो जाएं। कितने जानवर आप ले सकते, कितने आपके बिक गए, कितने आपके रह गए? माशाल्लाह आपके 20 जानवर थे जो ना थे, वो उसमें 6-7 बचे हैं, थे वो कस्टमर है ना जो मोल नहीं लगा रहे, पूरा मोल नहीं लगा रहे, यानी कि उम्मीद है कि बिक जाएगी। तो आपकी भी कोशिश ये होगी कि जो है ईद से पहले पहले कुछ ना कुछ करके आप बेच के निकल जाए? हाँ हमारी कोशिश है कि कल ही निकल जाएं बेच के, जरा नहीं तो पहले पहले घर जाएं, बच्चों में ईद करें। अच्छा तो ये क्या डिमांड है आपकी जो इस टाइम आप एक बड़े एक है जो ना इसकी 1,10,000 रुपये मांग रहे हैं, तो वो जो गा के 80,000 लगा रहा है, रेट बहुत कम लगा रहा है। आप वैसे भी मुनासिब 1,10,000 आप मुनासिब भी बताया आपने रेट, उसमें भी 80 बता रहे हैं, तो 90 तक का ये आप दे दोगे? हाँ 90 तक दे देंगे इंशाल्लाह। इसका 1,10,000 मांग रहे हैं। अच्छा इसका 1,10,000 मांग रहे हैं आप, तो क्या गाहक क्या दे रहा है आपको? 80-85 लगा रहा है। तो 80-85 में नहीं बात बनती आपकी? नहीं बात बनती। तो नाजरीन ये देखें ये बात है कि वो 1,10,000 1,20,000 मांग रहे हैं और वो जो है कस्टमर 80-85 लगाते हैं, तो वो भाई कह रहे हैं कि मैं 80-85 में देना मेरे बारे में नहीं है। तो एक इसका आप ये रेट बताइए, जो जो जोड़ा खड़ा हुआ है ये वाइट रंग वाला, इसका उसका ना 5,00,000 रुपया हम मांगते हैं, तो उसका तकरीबन 2,00,000 लग रहा है माशाल्लाह, उधर से 3.5 लाख के खरीद कर लाए हैं जोड़े का। हाँ जोड़े का बहुत कम रेट लगा रहे हैं, हम परेशान हैं क्या करें। अच्छा तो ना यहाँ पे देखें ना व्यापारी बाजार परेशान वगैरह के रेट ऐसा लगा रहे हैं कि जो हमारी रेंज से बाहर है, हम नहीं दे सकते वगैरह, हम बहुत परेशान इस वजह से कि रेंज जो है बहुत कम लोग जो है ना रेट लगा रहे हैं। तो नाज़रीन ये देखें ये हमें कुछ यहाँ पे कस्टमर भी नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पे लेने आए हैं, एक बच्चा भी आया, इससे पहले बात कर लेते हैं जी, बात सुने इधर आओ, चला गया बच्चा। तो ये देखें ये जो है इन्होंने इस टाइम वेड़ा निकाला है, इनकी शायद बात बनी है या बनती है, तो इनसे पूछते हैं कि कितने तक में इन्होंने वेड़ा लिया, तो हम बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या जी भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। अवैस भाई ये वड़ा आपने निकलवाया? नहीं अभी नहीं निकलवाया, ये भाई साथ खड़े हैं उन्होंने निकलवाया, हम तो देखने के लिए आए। अच्छा आप देखने के लिए हैं, तो आपने भी कुछ जानवर खरीद रहे हैं? अभी अभी आए हैं मंडी में, तो इंशाल्लाह खरीदने के लिए आए। अच्छा तो कितनी रेंज तक आप यहाँ पर जानवर खरीदना चाह रहे हैं वेड़े के? हमारी जो रेंज है वो तकरीबन 2,00,000 तक है। अच्छा 2,00,000 में तो आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा वड़ा मिल जाएगा, तो अभी कोई जानवर वेड़ा वगैरह आपको पसंद नहीं आया? नहीं अभी ये जस्ट आई है पहले के, अभी इन्हीं में। ठीक है तो जब ये भाई आए हैं वेड़ा देखने मोहम्मद अवैस साहब, तो उम्मीद करते हैं इनको वेड़ा पसंद आए और ये यहाँ से लेके जाएं। तो और भी हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, काफ़ी यहाँ पे रश देखने को मिल रहा है हमें, काफ़ी यहाँ पे कस्टमर इस टाइम मौजूद हैं यहाँ पे। कौन से चैनल से उम्मीद कर रहे हैं? तो अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम जी, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद काशिफ। जी काशिफ भाई आप यहाँ वेड़ा लेने आए हैं? जी हाँ जी। तो कोई पसंद आया वड़ा मिला कोई आपको? नहीं अभी आया है इधर, अभी अभी विजिट की। हाँ अभी आए हैं। तो कितने रेंज तक का वड़ा लेना चाह रहे हैं आप? हम तकरीबन 2,00,000 तक लेना चाह रहे हैं। 2,00,000 का वड़ा लेना चाहते, तो मिल रहा है आपके रेंज तक का वड़ा कोई? हाँ, मुनासिब सा इंशाल्लाह मिल जाएगा, क्योंकि 2,00,000 तो अच्छा खासा अमाउंट होती है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा वड़ा इंशाल्लाह मिल जाएगा। हाँ इंशाल्लाह मिल जाएगा। चलो ठीक है, तो ये भाई हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने ये पीछे वड़ा पसंद किया, ये आपको नज़र आ रहा है ब्राउन और वाइट रंग का, ये 2,00,000 इसके मालिक ने बताया और इन्होंने 2,500 लगाया था, इनसे बात करते हैं। जी भाई जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, 3,00,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं इसकी और हमने 2,10,000 लगाया इनको, वो नहीं दे रहे इसमें। ठीक है और बच्चा देख लें आपके सामने वाला,
नाम क्या भैया आपका? मोहम्मद नदीम जी। मोहम्मद नदीम साहब, तो आप थोड़े बहुत गुंजाइश कर सकते हैं कि आपके आखिर यही है? जी आखिरी है, मैं तकरीबन 1990 से शुरू हुआ हूँ, 2010 तक आ गए हूँ, वो 3 से शुरू हैं, 2045 पे आ गए हैं, वो नई बात बन रही। अच्छा, तो इससे आप और मजीद ऊपर आप नहीं जा रहे? नहीं, मजीद इसके ऊपर नहीं हमारी जो, या कोई बीच का रास्ता निकल जाए अगर? बीच का रास्ता यही को 5 का और कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, तो किस किन साहब से आपने बात की है, कौन आपको डील कर रहे हैं? ये इधर के खड़े व्यापारी वो सामने लाड़ी वाले, उनसे बात की है, जो इनके मालिक हैं उनसे बात की है, तो उनके साथ जो है ना वो नहीं डील हो रही, कोशिश तो कर रहे हैं, देखें अभी अगर कोई बात बन गई तो ले लेंगे, ना बनी तो इंशाल्लाह फिर मंडी भी देखेंगे। इंशाल्लाह मिल जाएगा, विजिट करके तो मिल जाएगा, अल्लाह करके आपके इन्हीं से बात बन जाए और आप ये वाड़ा ले लें। तो नाज़रीन ये था कि ये हिसाब है मंडी के, मंडी बहुत चढ़ी हुई अभी भी, क्योंकि एक दिन अभी रह गया ईद का, उसके बावजूद भी वो 3.5-3 लाख रुपये जो है एक एक वाड़े का मांग रहे हैं, और ग्राहक भी 2.25 लाख 2-2 लाख लगा चुके हैं, लेकिन वो उस पर भी नहीं दे रहे। 2,10,000 रुपये इन्होंने भाई ने लगाए हैं, लेकिन वो 2,10,000 रुपये भी ये वाड़ा नहीं दे रहे। तो नाज़रीन ये आज हम आए थे बकर मंडी, जहाँ पे हमने मुख्तलिफ वैडों के रेट लिए, यहाँ पे रेट बहुत चढ़े हुए हैं, हमारा ख्याल था कि कल ईद है तो रेट कम होंगे, लेकिन रेट उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट अज़हर अली को दें इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।